नमस्कार दोस्तों करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ हैप्पी दशहरा एंड शुभ विजया दशमी टू ऑल माय फ्रेंड्स कल बहुत जबरदस्त करेंसी मार्केट्स में हलचल देखा गया जिसको मैं धोबी घाट का धोलाई कहता हूँ तो उसके लिए आइए चलते हैं चार्ट पे सो so ये धोबी घाट का जो धुलाई है तो कल हो चुका है कल के दिन डॉलर इंडेक्स आपका जो ड्यूरिंग एंड अभी है 105.47 इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था आपका टेन ईयर यूएस ट्रेजरी टेन ईयर यूएस ट्रेजरी आप देखोगे हाई मारा है 5.02 जब ये पांच के ऊपर था ग्लोबल मार्केट्स में वेदर इट इज करेंसी मार्केट्स और इन इक्विटी मार्केट्स इंक्लूडिंग आवर इंडियन मार्केट बोथ करेंसी एंड इक्विटी मार्केट हाई तो बहुमच निफ्टी बोलिए बैंक निफ्टी बोलिए मिड कैप बोलिए स्मॉल कैप बोलिए सब में अच्छा खासा पोजिशन स्कवायरिंग हो गया था क्या रीजन था दो रीजन था एक था मिडिल ईस्ट रिलेटेड एंड दूसरा वाला आपका यूएस ट्रेजरी कल हमारे इंडियन मार्केट में छा गया था एंड जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उसको चैलेंज कर दिया गया था ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कल एक्चुअली बेसिकली क्या था एक तो आपका मिडिल ईस्ट का जो अनसर्टनिटीज है और आज हमारा इंडियन मार्केट छुट्टी है ड्यूटी दशहरा और विजय दशमी उसके कारण वेंसडे को मार्केट ओपन होगा सो so, अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो ह्यूज गेप डाउन विल मींस टेक ए ह्यूज टोल इसके कारण मार्केट में मींस मार्केट क्लोज होने से पहले मैक्सिमम पीपल इधर हेज करके गए हैं या अपना अपना पोजीशंस छोटा डाउन साइज करके के उसके कारण काफी नेगेटिविटी देखा गया था ये जो धोबी घाट का धुलाई है ये धोबी घाट का धुलाई हुआ था 5.01 अभी दूसरा धोबी घाट का धुलाई चालू होगा कल सुबह कल सुबह क्योंकि फिर मार्केट पॉजिटिव टैंग करके ऊपर जाके ओपन होगा सो so, धोबी घाट अब जस्ट देखिए कपड़े कैसे धोया जाता है हाथ में मशीन का बात नहीं कर रहा हूँ हाथ में धोने के लिए पहले एक बार पीछे लाते हैं फिर सामने गिराते हैं विद फुल प्रेशर बोथ साइड यानी एक बार ऊपर लेके जाके मारा फिर नीचे लाके मारा फिर ऊपर जाके लेके मारा फिर नीचे जाके लेके मारा यही धोबी घाट का धुलाई है और करनी से मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो उसमें भी जबरदस्त धुलाई होने वाला है ठीक है सो ये जो धोबी घाट का धुलाई है उसके कारण डॉलर इंडेक्स ए यूएस टेन एट ट्रेजरी आप देखो 5.02 टच करने के बाद अभी 4.84 है यहाँ पे जो कल का जो कैंडल है ना ये एक टिपिकल कैंडल है इसको बोलते हैं के कैंडल की रिवर्सल कैंडल यानी ये कैंडल का हाई एंड लो जो भी है ये प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको पूरा का पूरा छुआ गया था हाई ने प्रीवियस हाई को छुआ था एंड क्लोज नीचे आया है इट्स ए नेगेटिव साइन इट्स ए नेगेटिव साइन के कारण ऐसा लगता है कीपिंग दिस एज ए स्टॉप लॉस इसके हाई जो है इसको स्टॉप लॉस रख के आपका नीचे के तरफ जाने के लिए हायर प्रोबेबिलिटीज है सो डॉलर इंडेक्स अभी है 105.47 मेरा जो वीकली एनालिसिस था वहां पे हमने ये लोअर हाई को तोड़ने के लिए हम इंतजार कर रहे थे यानी अभी क्या हो गया लोअर हाई लोअर लो लोअर लो को भी अभी देखो ये तोड़ चुका है सो so, अभी सिर्फ एक हल्का सा डाउनवर्ड पुश चाहिए ताकि ये लोअर है लोअर लो को कॉन्फर्म कर चुके एंड इन सच केस डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनेस हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं डॉलर रुपी नथिंग न्यू कंसोलिडेशन है कंसोलिडेशन से बाहर आने देते हैं एज ऑफ नाउ ये दिखा रहा है सो so, ये ट्राइंगल के नीचे जाने देते हैं प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करने देते हैं जीबीपी डॉलर में सबसे अच्छा बात क्या था ये जो बेस आउट रेन शिफ्ट हमें इंतजार है ट्वेल्थ अक्टूबर का हाई के ऊपर क्लोज देने का एंड जीबीपी आईएनएल में भी सिमिलर फॉर्मेशंस हमें इंतजार रहेगा ट्वेल्थ अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देने का तो क्या होगा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन एंड स्टर्ट चेंज हिंग यूरो डॉलर में ऑलरेडी ट्रेंड चेंज हो चुका है देखिए ये जो 12 अक्टूबर का हाई था उसको तोड़ के ऊपर क्लोज दिया कल के दिन और आज ऊपर फॉलो थ्रो दे रहा है यानी यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो से ये हायर हाई हायर लो पे चेंज ओवर हो चुका है गियर चेंज हो चुका है अभी बाई डिप्स मे बी कॉन्सिडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट कीपिंग ये जो स्विंग लो है

हम हमारा ये एनालिसिस था अगर कोई बाई करना चाहे तो यूरो डॉलर यूरोबली बेटर देन जीबीपी डॉलर इसके लिए देखोगे यूरो डॉलर में अच्छा मोमेंटम आ चुका है जीबीपी डॉलर में उतना मोमेंटम हम देखे नहीं है यूरो में भी सिमिलरली ये हायर हाई हायर लो बन चुका है आज के दिन ये ऊपर जा रहे हैं डॉलर येन डॉलर वन फिफ्टी रेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो धमाका सेलिंग का जो धमाका है वो नहीं मिल रहा है हमें इंतजार रहेगा ये डॉलर येन में एक शार्प सेलिंग बाई ब जो काफी दिनों से या काफी हफ्तों से मिसिंग है जेपीवाई आय में भी एक बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है लेकिन यहाँ पर भी जब तक ये हायर है हायर लो फॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा डॉलर के दी 1.367 ये आपका ऊपर की तरफ आपका ये जो rsi 60 इसको रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे आने का प्रयास कर रहे है दैट बीइंग द केस यहां पे एक साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ 1.3550 एंड ऊपर की तरफ 1.38 के बीच में और ये डॉलर ये थर्ड टाइम फॉल्स ब्रेकडाउन मींस <laughs> क्या पहले बार भी फॉल्स ब्रेकडाउन किया ऊपर जाके टारगेट टारगेट नहीं दिया दिया हाफ बार ब्र, फॉल्स ब्रेकडाउन किया थोड़ा सा ऊपर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये हो गया वन साइड क्या यहाँ पे ट्रिपल बटम बना है तो अदर साइड में फॉल्स ब्रेकडाउन बना है तो ये पॉइंट फाइव जीरो की तरफ जानना चाहिए ये है है पे जो triple bottom है, इसके low के नीचे एक भयंकर हम expect कर सकते हैं so, अगर की तर, तरफ मूव करना चालू करे वी शुड बी इक्वली प्रिपेयर टू टेक बेनिफिट ऑफ द शॉर्ट साइड ट्रेड एज ऑफ नाउ हम लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं

अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस देखा गया यहाँ पे हमारा जो वीकली एनालिसिस था वहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल के बाद ये आरएसआई 60 का एक रेजिस्टेंस था हमारा ये क्वेश्चन था दो अप्रोच एक यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज ये आपका 20th अक्टूबर के हाई के ऊपर एक कुल मींस अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स आपका 97 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अभी एम पैटर्न का हमें इंतजार है एक अच्छा सेलिंग के लिए अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेट साइडवेज कंसोलिडेशन बट केराट रहेगा यूएस टेनट ट्रेजरी यहाँ पे एक कल के दिन जो कि रिवर्सल कैंडल बनाया हुआ है वो की रिवर्सल कैंडल्स इट्स अ एम इट्स ए मींस अ नेगेटिव कैंडल इसका मतलब ये नहीं कि शार्पली यहां पे नीचे आ जाएगा नो no, शार्पली नीचे नहीं आएगा जब तक ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन लोअर लो फॉर्मेशन नहीं जाते पे हल्का हल्का सा हम कर करते हैं यूएस टू ये ट्रेजरी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स 5.067 यहाँ पर भी अच्छा खासा सेल ऑफ हम देखे हैं ये कॉम्फर्टेबली सॉफ्टर देन आपका यूएस ट्रेजरी है एंड द डिफरेंस इज योर

स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू डॉलर जीबीपी डॉलर यहाँ पे ऑलरेडी हायर हाई हायर लो कन्फर्म हो चुके हैं अभी बाई डिप्स में भी कंसिडर मीन्स विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आपका जो भी लॉन्ग लेने का स्ट्रेटजी हो सकता है उसको आप यूज कर सकते हो जीबीपी डॉलर में अभी भी वो मोमेंटम आया नहीं जब तक ये 11 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर के हाई के ऊपर High high form ना करे उसके लिए हमें इंतजार रहेगा यहाँ पे हमें काफी हफ्तों से इंतजार है का का, का लेकिन वो होने का नाम ही नहीं ले रहे so जो भी हो दिस इज द स्नैपशॉट डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशंस के बाहर आना चाहिए आज इंडियन मार्केट विजया और दशहरा के लिए छुट्टी है सो मंडे इज गोइंग टू बी ए ट uh, में क्या यहाँ पे मंडे मार्केट क्या कैपिटलाइज करेंगे या सेलर डोमिनेट द मेन क्वेश्चन सो यहाँ पे दोनों पार्टीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट दोनों पार्टीज

प्री मार्केट एनालिसिस डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इप्सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब वंस अगेन हैप्पी दशहरा एंड शुभो विजया दशमी बाय बाय